बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा आप सब ने देखा जरूर होगा कभी ना कभी। तो इसका अणु सूत्र क्या है? शुरुआत करेंगे इसके अणु सूत्र से। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र सबको याद है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3। अब अगर अणु सूत्र आपको याद हो गया तो इसका रासायनिक नाम भी आप बता सकते हैं इसके सूत्र को देखकर। कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साथ में अच्छा है तो आप भी लिख सकते हैं। अणु सूत्र है NaHCO3 और रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणु सूत्र देख के रासायनिक नाम बता सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम से आप पुकारिएगा इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों अच्छे हैं, है ना। चलो अब बात करेंगे इसकी बनाने की विधि। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप पहले ही कर चुके हो। आप बेकिंग सोडा को पहले ही बना चुके हैं। कहाँ बना चुके हैं, याद है? बेकिंग सोडा आप पहले बना चुके हैं। इससे पहले धावन सोडा आपने पढ़ा था। धावन सोडा में एक अभिक्रिया आपको याद होगी जब बेकिंग सोडा बना था। याद करो, नहीं याद आया? चलो हम याद दिलाएंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई थी। अब याद आया? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन और उसमें गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, और क्या चाहिए? जल यानी H2O, और क्या चाहिए? CO2 गैस। बस बन जाएगा आपका बेकिंग सोडा NaHCO3। बहुत आसान। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन और उसमें प्रवाहित करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बन जाएगा बेकिंग सोडा। बैलेंस करो, दो सोडियम इधर एक सोडियम है तो दो से गुणा करा दो, काम हो गया। एक और एक दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन है। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और ये दो, तीन ऑक्स, तीन और तीन छः ज़्यादा हो गए। दो तीन पाँच, पाँच और एक छः ऑक्सीजन, और ये तीन दुनी छः ऑक्सीजन। बैलेंस, इसका मतलब ये सही है। समझ में आ गया? तो बनाने की विधि बहुत आसान है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। सिंपल। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है और बेकिंग सोडा आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो भाई लिख लो, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। बस काम हो गया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है।
बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। काम हो गया आपका, समझ में आया? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बहुत सिंपल भाषा में। अब देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, और सूत्र क्या होगा? Na2CO3। जलीय विलयन यानी कि जल आपको चाहिए, प्लस H2O, कौन सी गैस? CO2। बस बन जाएगा आपका बेकिंग सोडा। ये है बेकिंग सोडा। चलो भाई, समझ में आ गया सबको? बेकिंग सोडा बनाने की विधि बहुत आसान, धावन सोडा से भी आसान। अब इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण एक साथ कर लेंगे। भौतिक गुण, ये दिखने में कैसा होता है सबने देखा होगा, श्वेत रंग का, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, पाउडर के रूप में होता है ना, क्रिस्टल के रूप में। तो किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है ना, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सब लोगों ने देखा है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कि इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। यह किस रंग का? श्वेत रंग का, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ना, और जल में विलेय है। ये पूरी तरह से विलेय नहीं, लेकिन इसको हम बोलेंगे अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, दूसरा यह जल में अल्प विलेय है, और तीसरा इसका भी जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका भी जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो तीसरा भौतिक गुण हो जाएगा, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तीन समझ में आ गए? यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह जल में अल्प विलेय है, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुण पे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो पहला रासायनिक गुण इसका देखो, हमने क्या मिलाया था? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 है ना, और तब बना था बेकिंग सोडा है ना, तब बना था 2NaHCO3। अब इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, देखो याद करने में भी आपको बहुत आसान रहेगा। एक रिएक्शन आपको याद करनी है, यही रिएक्शन धावन सोडा में काम आई, यही रिएक्शन बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, और इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर लेंगे तो इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे? अगर धावन सोडा को, सॉरी बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करेंगे तो उसको कर लेंगे इधर, ठीक, और ये तीनों लोग चले जाएंगे उस साइड में, यानी प्रोडक्ट के रूप में हमको ये तीनों लोग प्राप्त होंगे। अभी क्या है? अभी ये तीनों अभिकारक हैं और वो प्रोडक्ट है ना,
और जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो अभिकारक हो जाएगा और ये तीनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो एक रिएक्शन, बहुत सारे उसके यूज, है ना। तो इसी को हम थोड़ा अगर उल्टा कर लें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करेंगे तो फिर यही तीनों प्रोडक्ट हमको प्राप्त होंगे, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी अगर आप बनाते हैं खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़ें जो बनती हैं उनमें अगर हम बेकिंग ये सोडा मिलाते हैं तो वो फूल जाती हैं, चाहे ब्रेड हो, चाहे केक हो, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो स्पंजी बनाई जाती हैं, जिनको मतलब बेकिंग मिलाने पर वो फूल जाती हैं, कैसे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक, इसे मान लो ये कोई पदार्थ है खाने वाला, इसमें बेकिंग पाउडर मिला दिया गया, ठीक, ये है बेकिंग पाउडर। अब जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे, ठीक। तो जब गरम करेंगे तो क्या होगा भाई, बेकिंग पाउडर अंदर है वो गरम होगा, और गरम होगा तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो जब गर्म करेंगे तो इसका साइज हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसके अंदर गैस बन जाएगी, ठीक, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो गैस जब निकल जाएगी तो ये छोटे छोटे छिद्र आपको बाद में दिखाई देंगे। अभी आप देखो, अगर इसको काटा जाए, कोई ब्रेड का टुकड़ा आप देखो कटा हुआ, तो उसमें देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं, होते हैं, तो वो किसकी वजह से, उसमें बेकिंग मिलाया गया होगा, फिर गर्म किया गया होगा तो गैस बनी होगी, कौन सी गैस, CO2 गैस, और फिर बाद में गैस अपना निकल गई, तो वो जो साइज उसका शेप बन गया, वो छोटे छोटे छिद्र किसके हैं, उसी गैस की जगह के हैं। समझ में आया। तो इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, पहला रासायनिक गुण ये है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। समझ में आया, बेकिंग पाउडर को या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस, CO2 गैस मुक्त होती है, और इसी गैस के कारण ब्रेड और केक या और भी जो अन्य चीजें बनती हैं वो फूल जाती हैं। रिएक्शन क्या होगा, 2NaHCO3 क्या करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस। समझ में आ गया। तो ये है बेकिंग सोडा का पहला रासायनिक गुण, क्लियर, कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा रासायनिक गुण, चूंकि अभी क्या बोला था कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका मतलब अगर इसको जल में हम मिलाएंगे तो कोई प्रबल क्षार बनेगा, है ना, तभी तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। प्रबल क्षार कौन बनेगा, चलो देखते हैं, जल से अभिक्रिया कराने पर, या डायरेक्ट कह लो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, या जल के साथ
अभिक्रिया करके प्रबल क्षार बनाता है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक, जल में जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, ये कोई प्रबल क्षार बनाएगा, और प्रबल क्षार बनेगा इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सिंपल सी बात है, देखो कौन सा बनेगा, अब बना के देख लो, NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा, इसको जल में मिलाओ यानी H2O, तो बनेगा क्या, NaOH। NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है, ये एक प्रबल क्षार है, ठीक, और साथ में बनेगा H2CO3, ये क्या है, ये एक दुर्बल अम्ल है। तो दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक मिला प्रबल क्षार और एक मिला दुर्बल अम्ल, प्रभाव किसका ज़्यादा होगा, जो प्रबल होगा, है ना, तो क्षार की जो प्रबलता है वो ज़्यादा है, अम्ल की प्रबलता कम है, तो प्रभाव किसका दिखेगा, क्षार का, इसलिए इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ गया, ये या जल से अभिक्रिया करके प्रबल क्षार बनाता है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। चेक कर लो, एक सोडियम बराबर, देखो रिएक्शन जब भी लिखो तो आप बैलेंस जरूर करो, उसको आदत बना लो कि हमें बैलेंस करना है, और जब आपकी आदत में यह शामिल हो जाएगा तो फिर आपकी कोई भी अभिक्रिया गलत नहीं होगी, भले ही वो सही हो। देखो ये हमको लग रहा है कि सही है, ये भी हमको पता था सही है, लेकिन हम लोगों ने बैलेंस किया। तो आप इसको एक हैबिट में बना लो, अपनी आदत बना लो कि जब भी कोई रिएक्शन आप लिखो तो उसे बैलेंस जरूर करो, चेक जरूर करो। एक सोडियम एक और दो तीन हाइड्रोजन, एक और दो तीन हाइड्रोजन, है ना, तीन और एक चार ऑक्सीजन, तीन और एक चार ऑक्सीजन, एक कार्बन, इधर के जितने परमाणु हैं उधर भी उतने ही परमाणु हैं, बस अभिक्रिया आपकी बैलेंस, और अगर बैलेंस है तो फिर वो 100% सही है, ये मान के चलिए आप। ये दोनों समझ में आ गए, अब तीसरा वाला ऊपर लिखेंगे, ठीक, नीचे लिखने में भी दिक्कत होगी। बेकिंग सोडा की अभिक्रिया किससे कराने पर, अम्ल से कराने पर लवण तथा जल बनता है, क्यों, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का है। तो तीसरा रासायनिक गुण, इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराने पर, इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है, और साथ में और CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, NaHCO3, है ना, और प्लस HCl, NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस HCl बराबर क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O यानी जल और प्लस CO2 गैस। समझ में आया, बेकिंग सोडा NaHCO3 HCl, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बनेगा NaCl H2O और साथ में CO2 गैस। बैलेंस कर लो, एक सोडियम एक और एक दो हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन
दो और एक तीन ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। ओके, समझ में आ गया। अब इसके उपयोग, बस ये खत्म हो जाएगा। उपयोग, सबसे बढ़िया उपयोग इसका है ब्रेड और केक को फुलाने में। या कह लो फुलाने में ना कहो, कह लो ब्रेड और केक को बनाने में। ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग मिलाया जाता है, केक को भी फुलाने के लिए। समझ गए? तो ये भी लिख सकते हो ब्रेड और केक को फुलाने में। ब्रेड व, और भी आप आइटम लिख सकते हो अपनी मनपसंद, जो आपको पसंद हो। ब्रेड व केक को फुलाने में, फुलाने में अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेड व केक बनाने में। ठीक, ब्रेड व केक बनाने में इसका यूज होता है। एक ये हो गया, ठीक। और बताओ भाई, और इसका यूज कहाँ होगा? अब एक इसका यूज देखो, ये भैया खाने वाली चीज है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी है, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, आपको खट्टी डकार आ रही है ना, कभी आपने फील किया है? जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, मतलब पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्ल होता है ना आपके आमाशय में, तो अगर उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती तो आपको कैसी फील होता है? खट्टी डकारें आती हैं, है ना। अम्ल मतलब खट्टा, तो आपको जो डकार आएगी वो कैसी आएगी? खट्टी डकार आएगी। तो उस समय अगर आप थोड़ा सा ये यूज कर लो तो आपको बहुत आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है क्षारीय, और जब क्षार कोई अंदर जाएगा और अंदर एसिड है, बस वो उसको कर देगा न्यूट्रल। अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए क्षार, और क्षार का प्रभाव कम करने के लिए अम्ल, ये दोनों एक दूसरे को या एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, है ना। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी है, आप अम्लीयता बढ़ रही है, तो आप बेकिंग सोडा, चूंकि ये खाने वाला है, तो इसको खा के पेट की अम्लीयता को दूर कर सकते हो। तो इसका यूज पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी होता है। पेट की अम्लीयता, अम्लीयता शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है, एसिडिटी सब लोग जानते होंगे, पेट की अम्लीयता दूर करने में। पेट की अम्लीयता मतलब एसिडिटी, एसिडिटी प्रचलित शब्द है, सब लोग जानते हैं, अम्लीयता यूज नहीं करते हम लोग, है ना, मतलब वही। तीसरा, इसका यूज कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, सोडा वाटर में होता है। कोल्ड ड्रिंक्स व सोडा वाटर में, देखो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब, जो कोल्ड ड्रिंक्स तो आपने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस होती है ना, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको एकदम से वो गैस बाहर निकलती है, है ना। और अगर कोल्ड ड्रिंक हार्ड है तब तो वो फिर मुंह के बजाय नाक से भी निकलेगी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो वो कौन सी गैस निकलती है? चूँकि CO2 गैस हम लोग पी गए, उसमें CO2 घुली हुई है कोल्ड ड्रिंक्स में, बेकिंग सोडा में CO2 गैस है ना, तो जब वो उसमें मिला होगा तो CO2 गैस होगी। अब जब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वो CO2 गैस अंदर चली जाएगी, फिर वो बाहर निकलेगी। तो जो हमको डकार आती है वो कौन सी? CO2 गैस बाहर निकलती है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक। तो ये बहुत सारे यूज हैं।
तो समझ में आ गया आपको, बेकिंग सोडा।